हेलो डियर स्टूडेंट्स समस्त पे सेसन को स्वागत और समस्त पे भेरी गुड मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्लास टी तुम मानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास अटे कारण ये क्लास रे आम कवरअप करने जाऊे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जदि फिले तुम मैंने 2022 जेकोसी भी एग्जाम दियो से पॉलिटी जदि रही तो यही क्वेश्चन को तुम मैंने निहाती भाव में देखिकी जीव एग्जाम रे फिले आसबार पॉसिबिलिटी रही। तो ये वीडियोटी तुम मानक इंपोर्टेंट रहिबो, शॉर्ट वीडियोटी रहिबो 10 रु 15 मिनिट रो वीडियोटी रहिबो, ताठो बिलो मध्य होई परे। तो इंपोर्टेंट वीडियोटी कंप्लीटली देखिबो एवं निज फ्रेंड्स मान को मध्य शेयर करिबो जाद्र कि सेमाने मध्य अपडेट पाई परिबे। जदि चैनल रे नुआ अछो यही वीडियोटी को प्रथम थर पर चैनल माध्यम फिले देखुच तो निहती भाव चैनल को सब्सक्राइब कर। चैनल को सब्सक्राइब करने द्वारा कौन बेनिफिट, चैनल को सब्सक्राइब करले यही टाइप गुरुत्वपूर्ण क्लासेस तो पाइपर, जॉब अपडेट जहाँकि सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ आसी तुम मैंने अवगत हो पार ये चैनल थ्रो रे। ता सहित एजुकेशन रिलेटेड अपडेट जहाँ भी आसो जहाँ भी ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म रिलीज हे सबू चैनल थ्रो रे तुम मैंने पाई पार। तो निहती भाव में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोटी को निज फ्रेंड्स मानक शेयर करेंगे जो मैंने भी एंट्रेंस रो प्रिपरेशन करोसी भी एंट्रेंस हो जदि तादरे पॉलिटी अच्छी सिलेबस रे ताले मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोटी यहाँ से रोक। तो ये जो डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज रही है पूर्व तुम मानक बहुत सारा पार्ट कवरअप सरी पर्टिकुलरली टॉपिक मेंशन हो कि जदि से पार्ट गुड़ी को देखिन पॉलिटी रो प्लेलिस्ट को जाके कवरअप करदेव। तो चलतु देखा क्वेश्चन गुड़िक कौन रही। डियर स्टूडेंट्स मु बर्तमान एवं पहुँची जाइए पीडीएफ फाइल पाखे तुम मैंने समस्त स्क्रीन में देखिपुव डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक अटे। देखा क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 दे सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज बीन प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एटा हमर कोइतरे मेंशन रहिछि द प्रेम्बुल रे, फंडामेंटल राइट्स रे, डीपीएसपी रे ना 7th शेड्यूल रे। आमे कहि परिबा जो सेपरेशन रहिछि कहार ना जुडिशियरी रो काठारु ना एग्जीक्यूटिव हैज बीन प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एहरा सठिक आंसर कौन आसीबो तो एहरा सठिक आंसर आसीजिवो डीपीएसपी जोटा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ आंसर सी फिले। क्वेश्चन नंबर 2 अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू व्हाट एज ऑफ अ चिल्ड्रेन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कथा कही तो आम कहीपर अप टू पिले 14 ईयर ठीक अच्छे 14 वर्ष पर्यंत पिला निःशुल्क बाध्यतामूलक शिक्षा जोगाई दिज्व बोलिका मेंशन रही आम संविधान रे। क्वेश्चन नंबर 3 पिले व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी सहित पिले हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्टी मैच करुचे तो पिले मन रख पार्ट आईवीटा पिले तुम मानकर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सहित पिले मैच करुचे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच डील विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौ आर्टिकल रु कौ आर्टिकल आम कहीपर जहाँकि आम डीपीएसपी सहित डील करुचे तो यार सठिक आंसर पिले हो आर्टिकल 36 रु 51। आर्टिकल 36 रु पिले 51 जोटा कि तुम मानकर डीपीएसपी सहित डील करुचे एवं फंडामेंटल राइट्स जो तुम मानक रही है सैटा 12 रु केते रही है 35 आई थिंक तुम मानकर एटा पिले एफआईआर रही था फंडामेंटल राइट्स पिले रही था। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क माने जेमतिका काम करिवो सेमतिका पैसा दिया जीवो टंका दिया जीवो हैज बीन एनश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ना फंडामेंटल ड्यूटीज ना इकोनॉमिक राइट। तो यार सठिक आंसर तुम मानकर हो पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी जोटा कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आम कहवा जो वेलफेयर स्टेट आमर रही वेलफेयर स्टेट कथा कौटी मेंशन अच्छी प्रीएम्बुल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे, द फंडामेंटल राइट्स रे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी रे ना फंडामेंटल देखो पे फंडामेंटल राइट ये तुम मानकर दुईटी ऑप्शन दे देछे तो किंतु वेलफेयर स्टेट कथा हमर पले कोउतरे मेंशन होचे ना डीपीएसपी रे पले मेंशन होचे। ठीक अछि एवं ए डीपीएसपी टा हमर पले कोउट आसीचे ना इरिस कॉन्स्टिट्यूशन आसीचे बा आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन पले हमर आसीचे। क्वेश्चन नंबर 7 पले द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए चेक व्हिच इज फेड ऑन बैंक्स कन्वेनियंस हु टोल्ड इट। एगो के कहिथिले बी आर आंबेडकर, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, केटी सेठ। तो यार सठिक आंसर हो पे डॉक्टर बी आर आंबेडकर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 द डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी इज इटा गोटे पे कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीटा यहाँ हूँ नॉन जस्टिसेबल। ठीक अच्छे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीटा कौन गोटे पे ना नॉन जस्टिसेबल ऑप्शन बी पे मन रख। क्वेश्चन नंबर 9 द पर्पज ऑफ द इंक्लूशन ऑफ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टाब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 9 को पिले भल भाव पढ़ी रख। द पर्पज ऑफ द इंक्लूशन ऑफ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन पे डीपीएस को पे आड कर तार उद्देश्य पे कौन थी तो ये कर कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मिल पार। ठीक अच्छे ऑप्शन डी पे। क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विथ द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। एटा पे कौ आर्टिकल को फॉलो कर सूचौच पे इंटरनेशनल पीस ए सिक्यूरीटा तो मन रख पे यार सठिक आंसर तुम मानकर आर्टिकल 51। ठीक अच्छे डीपीएसपी पे 36 रु 51 अच्छे तो ये जो लास्ट आर्टिकलटा रही है यहाँ तुम मानकर शो करवर्ती। क्वेश्चन पे हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केतोटी पे फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी तो आमर 11टी फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी मौलिक अधिकार पे कतोटा अच्छी 6टी अच्छे। देख पे परवर्ती क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो क्वेश्चन नंबर 42 अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 56 अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट। बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर इंक्लूडेड तो आम पे कहीपर आमर जो 42nd अमेंडमेंट होता को केबे पिले होता पे यहाँ किए कहीपर 1976 मसीह यटा को आम कहीपर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहुए तो से टाइम होता एवं ये कौन कौन आड कर सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, इंटीग्रिटी एगुड़ सब आड कर। क्वेश्चन नंबर 13 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू द एग्जिस्टेंट फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1965, 1976, 1979 एंड 1982 तो यार सठिक आंसर पे 1976 मसीह ऑप्शन बी पे। क्वेश्चन नंबर 14 The 42nd Amendment Act has incorporated into the Constitution of India a new chapter on administration of union territories, formation of interstate council, fundamental duties and none of this। देखो पहले पूर्व आमर जो चली सिस्टम टी फंडामेंटाल राइट्स गुड़िक रही है सेटा आमर कन्वर्ट कराहीगला फंडामेंटाल ड्यूटीज रे। ठीक अच्छे ऑप्शन सी पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे By what a term the 10 commandments of 40 सेकेंड कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर कल इटा को पिला में कौन कहूचे फंडामेंटाल राइट्स कहूचे फंडामेंटाल ड्यूटीज बोलिका कहूचे ना पंचायत राज प्रिंसिपल बोलिका कहूचे ना फिले आम को डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट बोलिका कहूचे 42 सेकेंड अमेंडमेंट को या पे फंडामेंटाल ड्यूटीज बोलिका कहूचे। ठीक अच्छे तो 15टी क्वेश्चन पे मुझे सिलेक्शन करी तुम मानकर फंडामेंटाल ड्यूटीज एवं डीपीएसपी को लेके। ठीक अच्छे तो ये डीपीएसपी एवं फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज क्वेश्चन गुड़िक पे सरी जाए परवर्ती जो क्लास रही कवर अप करवा प्रेसिडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट को एमसीक्यू जदि प्रेसिडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट को रिलेटेड एमसीक्यू तुम मैंने पाइबा चाहूच तो निहत भाव कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनइब एवं तुम मैंने मत होमवर्क स्वरूप पे गोटे क्वेश्चन टाइम तुमको दौर यार आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनइब। पे क्वेश्चन टी पे रोचे कि 44th अमेंडमेंट जो होता। ठीक अच्छे 44th जो अमेंडमेंट होता सेटा केते मसीह रे होता पिले एवं 44th अमेंडमेंटा रे हमर कौन होता। ठीक अच्छे माने कौन एमती होता जे 44th अमेंडमेंट लागू होता एवं कौ मसीह फिल होता यहाँ तुम मानक होमवर्क अटे तो यार आंसर जनइब जहाँद्वारा कि मुझे जानीपरि पर्टिकुलाली ए स्टूडेंट्स मैंने कम्प्लीटली वीडियो को देखिंट एवं परवर्ती समय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जन जदि फिले क्लास टी भल लगी क्लास टी गोटे गोटे लाइक कर टाइप क्लासेस पाइबापी चैनल को सब्सक्राइब कर डेली बेसीस तुम मानू लाइव क्लासेस मिल जाव एवरी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस ता सहित आमर टीचिंग रिलेटेड एग्जाम पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब पे कर चलो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम रो लिंक अच्छी टेलीग्राम रे जॉइन हो जाव जहाँद्वारा कि यार पीडीएफ तुम मानक टेलीग्राम रे मिल जाव। ठीक अच्छे पे तो बट टेलीग्राम रो एप्लिकेशन को जीव एवं सर्च कर मास्टर ब्रेन आईक्यू तुम्हें आम टेलीग्राम एप्लिकेशन को पाइज इजिली। तो थैंक यू सो मच पे जय जगन्नाथ।